हेलो नमस्ते, मैं सीमा नाथ आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। इधर काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लाई हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरी रसोई में काम चल रहा था, तो आज मैं वीडियो बनाई हूँ। तो मैं जो रेसिपी का आपके साथ शेयर करूँगी वो है टेस्टी दाल ढोकली। तो मेरे साथ मेरी वीडियो में मेरे रसोई में बने रहिएगा अंत तक। चलिए आइए। तो दाल ढोकली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया अरहर की दाल 1 कप, और इसी कप से लूंगी आधा कप बादाम। अब इन दोनों को अच्छे से धो लूंगी, मैं धोकर साफ कर लूंगी। तो यहाँ पर 2-3 पानी से मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है, और फिर इसमें पानी डाल करके 10 मिनट के लिए दाल को भिगोकर मैं छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर अच्छे से दाल को धो करके, यहाँ पानी डाल करके दाल भिगो दिया है मैंने। तब तक चलिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाने जा रही हूँ मैं। तो ये देखिए पेस्ट तैयार हो गया है। अब तो 10 मिनट हो गया है। अब दाल को उबालने के लिए मैं कुकर में डाल रही हूँ। तो यहाँ पर अरहर की दाल है, पानी है और बादाम है, ये सबको डाल रही हूँ और अच्छे से दाल को पकने तक मैं पका लूंगी। तो अब ढोकली बनाने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो उसी कप से 1 कप मैंने लिया है आटा, ये गेहूं का आटा है। अब इसमें 2 चम्मच मैं बेसन डाल दूंगी। तो 2 चम्मच बेसन मैंने डाल दिया है। अब डाल दूंगी कुछ मसाले। तो ये है अजवाइन, इसको भी डाल दिया है मैंने। हींग डालूंगी 1 चुटकी के करीब, और इधर कुकर का सीटी दे रहा है जिससे ये जो पिक्चर है थोड़ी धुंधली हो गई है। तो इसमें हींग डाल दिया है मैंने 1 चुटकी के करीब। हल्दी का पाउडर डाल दूंगी, लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, और डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल। और ये हल्का सा स्वाद अनुसार नमक है। तो ये सबको मिलाकर मैं अच्छे से इसका रोटी की जैसे आटा बनाते हैं उसी तरह का आटा तैयार कर लूंगी। तो पहले जो भी मसाले मैंने डाले उसे अच्छे से आटा में मिला दूंगी, फिर पानी डाल करके इसको रोटी के आटा की तरह तैयार कर लूंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और आटा को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए आटा भी लगभग तैयार हो गया। अब इसको मैं एक और रख दूंगी। तो जब तक मैंने आटा तैयार किया तब तक मेरी दाल भी पक गई। तो ये देखिए अब दाल में लगाऊंगी मैं तड़का। उसके लिए मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया। डाल रही हूँ 2 चम्मच छोटा चम्मच से शुद्ध घी। जब घी गर्म हो जाएगा तो इस पे पहले मैं सूखे मसाले डालूंगी, जैसे कि हींग है, जीरा है, खड़ी लाल मिर्च है, खड़ा सरसों है। ये सब डाल करके मैं तड़का लगाऊंगी दाल में। तो ये जीरा डाल दिया मैंने, हींग डाल दिया, लाल मिर्च डाल दिया। अब ये सब जब पक जाएगा, अब यहाँ खड़ा सरसों भी डाल रही हूँ। तो ये खड़ा सरसों डाल दिया मैंने। अब ये पक गया तो डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और करी पत्ता। इसको डाल करके पका लूंगी मैं।
जब ये हल्का सा पक जाएगा तो डालूंगी मैं टमाटर। तो ये सबको मिला करके मैं अच्छे से पका लूंगी। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने तैयार किया था, लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है मैंने इसमें। अब सबको पका लूंगी मैं थोड़ी देर। अब डाल रही हूँ हल्दी, डाल दूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को मिक्स कर लूंगी और थोड़ी देर पका लूंगी। यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिया है मैंने। अब सारे मसालों को अच्छे से भून लूंगी और पका लूंगी मैं। जब ये थोड़ा पक जाएंगे तो पके हुए दाल को इसमें मिलाऊंगी और दाल को तैयार करूंगी मैं। तो मसाले भून करके तैयार हो गए। अब उसमें डाल रही हूँ मैं पकी हुई दाल। तो दाल यहाँ गाढ़ी है तो थोड़ा पानी मिला करके दाल को पतला करूंगी मैं। तो यहाँ दाल में मैंने पानी डाल दिया है। अभी दाल को तड़का के साथ पकने के लिए छोड़ दूंगी और इधर बनाऊंगी मैं ढोकली। जब तक दाल पकेगी तब तक ढोकली तैयार करूंगी मैं। अब मैं डाल रही हूँ दाल में स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक नहीं डाला था मैंने इसमें। और नमक डाल करके चला लूंगी और डालूंगी थोड़ा सा गुड़। तो ये छोटा टुकड़ा गुड़ का है, इसको भी दाल में डाल दिया है और डाल करके मिला के चला दिया है। तो जब तक दाल में उबाल आए तब तक मैं ढोकली तैयार करूंगी बेल करके। तो दाल में धीरे धीरे उबाल आने लगा है। तो एक बड़ा सा लोई ले लूंगी मैं, जिस तरह से रोटी को बेलते हैं उसी तरह पतला करके, थोड़ा आटा लगा करके इसको मैं पतला बेल लूंगी। तो मैंने इसको पतला करके बेल लिया। अब चारों ओर से बराबर बराबर कट करके इसको मैं बराबर कर लूंगी पहले। और ये देखिए इस तरह से इसको पतला पतला लंबा लंबा मैं बीच बीच से काट लूंगी। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा बड़ा भी ढोकली बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब उबलते हुए दाल में मैं इसको डाल करके पका लूंगी। तो मेरी दाल तैयार हो रही है, इधर ढोकली भी तैयार हो जाएगी दाल के साथ। तो ये देखिए दाल में उबाल आ गया था और आंच को मैंने धीरे से कर लिया है। अब जो ढोकली मैंने बेल करके काट के तैयार किया उसको दाल में डाल दूंगी मैं। जब हम दाल में ढोकली को डालते हैं तो उसको धीरे धीरे हल्के हाथों से चलाना रहता है और आंच को धीमी करके रखना रहता है। कभी आंच को मैंने तेज कर दिया और धीरे धीरे करके चला रही हूँ, नहीं तो
ढोकली जो है ना नीचे बैठ जाती है तो खराब हो जाएगा दाल ढोकली, तो इसलिए धीरे धीरे हल्के हाथों से आपको ढोकली को दाल में मिला मिला के चलाना रहता है। तो जब ढोकली बन जाता है तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो पता चलता है कि दाल ढोकली जो है तैयार हो गई है। तो मेरी दाल ढोकली यहाँ पर तैयार हो गई। इसमें डाल रही हूँ मैं धनिया की पत्ती और एक चम्मच शुद्ध घी। तो हो गई मेरी दाल ढोकली तैयार। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।